फ्रिज का दरवाजा धीरे धीरे बंद करता था। मुझे इन टाइल्स में परफेक्टली ही क्यों चलना है। हाँ, मेरे पापा मुझे आगे बैठाते थे। दो चम्मच च्यवनप्राश और जमा हुआ बॉर्नविटा जूस के यू गो टू हेल्प योर मॉम। यू कैन्ट सी मी। ओए कॉमन सरन, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ओके आउच, बट अंडरटेकर भी तो बार मर के जिंदा होता है, वो रिलेवेंट कैसे रहता है? आई थिंक पर्सनालिटी चाहिए होती है, तुम में नहीं है। घंटा, मुझ में उससे ज्यादा पर्सनालिटी है। ओके, चूतिया लगता है एकदम। ओके, ये बात उसके मुंह पे बोलना। हाँ तो डरता तो वो मेरे पीछे। मुझने कभी कॉपीराइट लगा रखा है? अंडा टेकर साला अपनी टोपी में क्या रखता है? अंडा। I guess, लोग तुम्हारी वीडियो से रिलेट नहीं कर रहे हैं। रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये है लाइट स्विच और ये है मेरा खिलौना। मैं इसे बंद नहीं करता, मैं इसे खोलता नहीं, मैं इसे परफेक्टली बीच में बैलेंस रखता हूँ। जी हाँ, इंस्टाग्राम में फेमस हुए इस बच्चे ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से टुनटुन मौसी लवर 17 को इंडियाज बेस्ट इंजीनियर के नाम से सम्मानित किया जा रहा है। मुझे तो हमेशा से पता था कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। बचपन से ही इसे खुटुर पुटुर करने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने अपनी इंस्टा आईडी में इसकी वीडियो डाल दी। हाँ, तो टुनटुन मौसी लवर 17 ये बच्चा नहीं, इसके पापा हैं? जी हाँ, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन व्यूज मिले हैं और टुनटुन मौसी लवर 17 ने इसके अलावा सिर्फ एक वीडियो डाली है। स्पीकिंग ऑफ लाइट स्विचेस, फ्रिज की अलौकिक लाइट। जब मैं छोटा था तो मैं फ्रिज की लाइट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस था कि फ्रिज का दरवाजा बंद करते वक्त लाइट बंद कौन करता है। तो मैं फ्रिज का दरवाजा धीरे धीरे बंद करता था ताकि मुझे वो इंस्टेंट मिल जाए जब लाइट बंद होती हो। क्या यहाँ पे एक छोटा चूहा है जो लाइट बंद कर रहा हो, या फिर छोटे लोग? नहीं, मेरी बिरादरी के लोग ये नहीं करते। ओ सुनिए, आप छोटे अपने कद से नहीं अपनी सोच से हैं। बिरादरी। हाँ मैं कहाँ था? ओह यह, और अगर ये फ्रिज को खुद पता चल रहा है तो फ्रिज को पता कैसे चल रहा है कि दरवाजा बंद हो रहा है? ओ शिट, स्मार्ट फ्रिज। मैं तो सीपीयू सेक्सुअल हूँ। ये क्या होता है? मतलब मैं इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से अट्रैक्ट होती हूँ। टाइल्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। दिमाग कितना वियर्ड होता है ना। मुझे इन टाइल्स में परफेक्टली ही क्यों चलना है, सही से अलाइन होके सिर्फ व्हाइट टाइल्स में। तुम्हें तो ओसीडी है शायद। नहीं, चुप छोटे आदमी, ओसीडी नहीं होता ये, जाके पढ़ के आओ। लेफ्ट राइट, कितना सैटिस्फाइंग। ऐसा लग रहा है जैसे ये टाइल्स मेरे दिमाग के अंदर हाथ डाल के उसे खुजा रहे हो। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा नीचे। ऐसी सिमिलर चीजें मैं रोड पे भी बहुत करता। यू नो व्हाट, नो नॉट मेकिंग द साउंड्स। ओके, यू गाइस टेल मी कि आपने ये किया है कि नहीं। तो जब मैं छोटा था और हमारी फैमिली बाइक से कहीं जाती थी, हाँ मेरे पापा मुझे आगे बैठाते थे टंकी के ऊपर, और कभी कभी मैं पेट्रोल भर। तो यूजुअली जब पापा ड्राइव कर रहे होते थे, मेरा वियर्ड दिमाग हमेशा इमेजिन करता था कि एक निंजा हमारी बाइक को फॉलो कर रहा है, सिर्फ शैडोज में छुप छुप के। और जब मैं ज्यादा क्रेजी फील कर रहा होता था तो बाइक को उड़ाने की कोशिश करता था, शैडोज में बाइक जमीन पे और लाइट में बाइक उई। चिड़िया उड़, तोता उड़, बाइक उड़। अभी बाइक थोड़ी उड़ती है। स्पीकिंग ऑफ सुपर पावर्स, ये क्यों, मैं ऐसे क्यों करता था? आई गेट कि स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो था, बट ये काफी डेंजरस है। और तब भी हर साल मैं एक छोटे लौंडे को ऐसे ऐसे देखता हूँ। मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पैर तो बहुत छोटे। ओके, एंड ऑब्वियसली इतनी लेग स्ट्रेंथ, आई स्टिल कांट गेट ओवर दिस। क्यों? वेल ऑब्वियसली इतनी लेग स्ट्रेंथ और आशीर्वाद लेके आप किचन जाते हैं
फिर 2 चम्मच च्यवनप्राश और जमा हुआ बॉर्नविटा जूस के यू गो टू हेल्प योर मॉम। आई डोंट नो आपने जमा हुआ बॉर्नविटा खाया है या नहीं, बट इट्स ऑसम। इसे दांत से तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, बिकॉज़ वो बहुत हार्ड होता है। दैट्स व्हाट शी सेड। बेसिकली चबाइएगा मत, सिर्फ मुंह में रख के चूसिएगा। बेटा जरा ये गद्दा पकड़ना, बेड के नीचे से पुराने कपड़े निकालने हैं। ओके मम्मी। काश कोई ऐसा तरीका होता इसे मैं इस गद्दे को उठाए भी रखता और मेरे पास मेरे दोनों हाथ फ्री रहते ताकि यू नो दूसरा इंपॉर्टेंट काम कर सकूं। ओह आई नो, आई डोंट नो मैं बचपन में ऐसे क्यों करता था। इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने हाथों का यूज कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए कर रहा था। और वाज आई हाथ बचाओ। हाँ थैंक यू। एनीवेज क्या आपको भी सनलाइट में रैंडमली फ्लोटिंग वार्म टाइप फ्लोटीज दिखते हैं? मुझे भी। Yeah, that's it. And I don't know कि ऐसा क्यों है। It can be a sign of a serious disease. Maybe मैं फिर से मरने वाला हूँ। नहीं! मुझे कॉपी करना बंद करो, वरना वापस नहीं आ पाओगे। Guys, मुझे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। आप लोग अडॉप्टेड हैं। जी हाँ, आपकी मम्मी पापा आपको कूड़े से उठा के लाए हैं। सच काइंड सोल्स। उनसे देखा नहीं गया आप जैसे नाजुक थुलथुले बच्चे को कूड़े में पड़े। ओके आई नो, आई मीन सारे मम्मी पापा का ये फेवरेट डायलॉग क्यों होता है, और ये जितना ट्रोमैटिक है, एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि ये चीज हम सबको बॉन्ड कर दिया। वेट, मैं लड़ने क्यों जा रहा हूँ वैसे? तुम्हारी घोड़े वाली बात ने अंडरटेकर को बहुत डिप्रेस कर दिया है। आई फॉरगेट सूट ना नहीं चाहता, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मी। Oh, fuck. Let's see, मैं किसे लड़ने जा रहा हूँ? And his name is John C. You can't see me. कौन? कहाँ से? Yellow. बैंग 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 बैंग। क्यों? मेरा सीना। That's right, bitch. And the winner is Undertaker. Thank you. But मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं Undertaker. अब मेरी बारी है. So what did we learn today? आप यूनिक नहीं हैं, हम सब स्पेशल हैं, खासकर अंडरटेकर, वो सबसे ज्यादा स्पेशल। Hey, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं थोड़ा और ज्यादा कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ, तो प्लीज मेक श्योर यू हिट लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बाई।